स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा लर्निंग में। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। शिवा लर्निंग एक कंसल्टेंसी फर्म है चेन्नई में, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shivalearning.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो बेस्ट टिप्स हैं रिविज़न नोट्स बनाने के लिए नीट एग्ज़ाम की, नीट और एम्स एग्ज़ाम की। तो गाइस, समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग, डू नॉट मेक योर रिविज़न नोट साइमल्टेनियसली वाइल यू आर स्टडिंग दैट चैप्टर फॉर द फर्स्ट और सेकेंड टाइम। दिस इज़ वेयर मोस्ट पीपल गो रॉन्ग। रीड द टॉपिक एटलीस्ट 4 to 5 times एंड अपीयर इन एटलीस्ट 2 of its tests सो दैट यू विल नो वट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट एंड वट्स नॉट। तो गाइज, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़े, आप उसे अगर पहली, दूसरी या तीसरी बार भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसके नोट्स उस टाइम मत बनाएं। आप उसको 4 से 5 बार तक पढ़ें उस चैप्टर को, उसके बाद एटलीस्ट उसके 2 से 3 टेस्ट दे दें, जो मॉक टेस्ट होते हैं, को ऑनलाइन भी कंडक्ट होते हैं, तो ताकि आपको पता चल जाए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप उसी के नोट्स बनाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या क्या नहीं आने वाली हैं। तो भाई, ये सबसे पहली और ईजी टिप थी। एंड अब तक तो शायद आपने सारे चैप्टर पढ़ ही लिए होंगे और आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या नहीं। तो गाइस, बेकार की चीज़ें लिखने से अपनी रिविज़न नोट्स में कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज इन द एंड इट्स नॉट हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो गाइस, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है लास्ट टाइम पे। एंड हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर फिज़िक्स। फॉर फिज़िक्स, गो थ्रू द चैप्टर एंड स्टडी ऑल द डेरिवेशन, देन राइट ओनली द फार्मूला एंड की पॉइंट्स ऑफ डेरिवेशन। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, फार्मूला और की पॉइंट ही लिखना है, ताकि जब भी आप रिवाइंड करें कोई भी चीज़ फार्मूले को, तो आपको पूरा अपना जहन में आ जाए कि हाँ सब कुछ कैसे था और क्या था। जैसे सो दैट व्हेन यू शफल थ्रू देम इट वुड बी लाइक एन एंटायर मूवी रिवाइंडिंग इन योर हेड। समझ आ गया होगा गाइस, फार्मूले और की पॉइंट लिखने के लिए ही मैं क्यों बोल रहा हूँ। गाइस, हम नेक्स्ट बात करते हैं, एड वट एवर क्वेश्चन यू फाइंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, बी दैम टेस्ट क्वेश्चन ऑफ बुक क्वेश्चन इन योर नोट्स। जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है उसको ऐड करें, जो भी आपको सॉल्व करने में परेशानी आती है आप उसे अपने रिविज़न नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और गाइज, आपको अपना जो लेसन है वो 1 से 2 पेज के नोट्स में ही बनाना है, उससे ज़्यादा आपको बनाना नहीं है, क्योंकि द लेसर द वॉल्यूम द मोर अपीलिंग दे बिकम। जितना कम हुआ उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आप नोट्स में ही सब कुछ पूरा चैप्टर लिख दोगे तो फ़ायदा क्या है नोट्स मेकिंग का। एंड गाइज, आगे हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। फॉर केमिस्ट्री, एम प्राइमरली ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर्मुलेट अ टेबल स्टेटिंग नेम ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन पाथवे इफ एनी, एंड मिसलेनियस क्वेश्चन एज द हेडिंग। तो आपको फॉर्म एक टेबल बनानी है, नेम ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन पाथवे, तो आपको और मिसलिनियस क्वेश्चन उसकी हेडिंग, ये सब आपको करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही ज़्यादा ये सब होता है। तो गाइस, अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं, देर इज़ रियली नो पॉइंट मेकिंग नोट्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एज इट्स मोर और लेस ऑल अबाउट न्यूमेरिकल। तो गाइस, जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो तो आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो उसमें कुछ फ़ायदा है नहीं नोट्स बनाने का, फिर भी आप बना सकते हैं आप चाहें तो। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेक एन सी आर टी एज योर फाइनल स्टडी मटीरियल एट वट एवर पॉइंट यू फाइंड एक्स्ट्रा टू इट्स साइट्स। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एन सी आर टी को अपने फाइनल स्टडी मटीरियल बनाएं, और जो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लगते हैं आप उनको भी अपने उसमें लिख सकते हैं नोट्स में। तो वैसे बायोलॉजी की बात करें तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, राइट ओनली दोज पॉइंट्स इन योर नोट्स विच यू फाइंड आर फॉरगेटफुल। जो आपको लगता है कि ये मुश्किल है उसी चीज़ को लिखें, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा लिखने का कुछ फ़ायदा है नहीं। और जैसे आई ऑलवेज यूज टू फॉरगेट द स्टोर फूड ऑफ वेरियस एल्गे, सो आई जस्ट रोट दैट वन पॉइंट इन माई एंटायर नोट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो गाइस, बायोलॉजी में आप बस वो लिखें जो चीज़ें आप भूल जाते हैं, ताकि आप जब भी रिवाइंड करें लास्ट में स्मार्ट वर्क करें, तो आप खाली उस पॉइंट को देखें और आपको याद आ जाए हाँ ये पॉइंट किससे रिलेटेड था और क्या इसका टॉपिक था। आप क्यों बस रिवाइंड कर लें, आप उसे आपके जहन में आ जाए। दैट्स इट गाइस।
एंड जितने भी मिसलिनियस पॉइंट्स होते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं, उन्हें भी अपने आप नोट्स में लिख लीजिए। तो गाइज ये थे कुछ टिप्स, मैंने बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री सबके अलग से बताए हैं कि सबके नोट्स मेकिंग रिवीजन नोट्स मेकिंग के टिप्स क्या क्या हैं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए गाइज। रेगुलर अपडेट्स नीट की और सारे एग्ज़ाम्स की हमारे चैनल पर सबसे पहले आती हैं। एंड थैंक यू गाइज।